अगर भाई कोई गंगोत्री धाम आना चाहता है, वैसे तो इसकी जो कपाट होते हैं वो हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, लेकिन देखो भाई तो भाई लोग शुरू करते हैं आज का ब्लॉग चाय की दुकान से सीधे। और हम लोग रूम चेकआउट करके आ चुके हैं और आज हम जा रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ, हर्षिल वैली है ना जाने वाले हैं। और हमने मंगाए हैं इस टाइम देखो पराठे और चाय, और इसे खाने के बाद यहाँ से निकलते हैं और अपनी बाइक का थोड़ा देखते हैं, क्योंकि बाइक कल से बहुत गड़बड़ कर रही है और कल सर दर्द वाला पूरा दिन ऐसा हो गया था है ना पूरा, मतलब ब्रेम आपको मैंने आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई चल रही है अब उत्तरी धाम यानी हर्षिल वैली की तरफ, चलिए। पहुंच चुका है उत्तरकाशी, मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ रॉयल सर्विस स्टेशन पे पहुंचे हैं। तो बाइक हमने देखो अपनी वो खड़ी कर दी है, खड़ी है बाइक। तो इसी के साथ अभी मतलब यहीं पर रुके हुए हैं, दुकान खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हम टाइम से पहले आ गए हैं यहाँ पे, सुबह निकल गए थे ना जल्दी इस वजह से। चलो भाई इस टाइम देखते हैं यहाँ पे, मतलब वो उन्होंने फ़ोन किया है, वो कह रहे हैं भैया कोशिश करता हूँ जल्दी आने की क्योंकि लड़के के पास है चाबी और यहाँ सामान मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए भाई इंतज़ार करते हैं, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। फाइनली भाई पूरे एक घंटे बाद दुकान खुल ही चुकी है, जैसा कि आप देख ही रहे हो भाई भी आ गए हैं। अब देखते हैं अपनी गाड़ी करवाते हैं। भाई शॉप पर काम नहीं हो पाया बिल्कुल भी, क्या कर सकते थे अब, चल रहे हैं एक घंटा बर्बाद। यही सोच रहा था कि ये ना हो जाए और यही हो गया। तो भाई पहुंच चुके हैं इस टाइम उत्तरकाशी में है ना। तो उत्तरकाशी में अच्छी खासी आपको मार्केट वगैरह है, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ आपको बाइक वगैरह ख़राब हो जाए, खाने पीने का रहने का सब इंतज़ाम है यहाँ। कुछ अच्छी खासी आप मार्केट आप मेरे पीछे देख ही रहे होगे, आसपास सब कुछ है, ये नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप कुछ आप रास्ते में कहीं फंस गए हो या कुछ है तो आप उत्तरकाशी में आके या उत्तरकाशी के नियरेस्ट हो तो उत्तरकाशी में आप सब कुछ ले सकते हो। उत्तरकाशी में तो बहुत बड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा अच्छा खासा मतलब सब कुछ बढ़िया है। फिर से लफड़ा दूसरे दिन का, फिर लफड़ा हो गया है, गया मुसीबत बैठी है, जब तक नए नहीं डलेंगे तब तक ये ऐसी रहेगा। फाइनली भाई तैयार हो गई दूसरी खाली, अब इसमें फिर एक ट्यूब डलता है, चौथी ट्यूब, कल से चौथी ट्यूब कर रहे हैं इसमें। एक जो रिपेयर करवा लेना, मतलब उसमें एक पंचर था, हमने पंचर जुड़वा के उसे रखवा लिया है, बैग में रख दी वो और एमरजेंसी के लिए रख लिया है ना, रख दिया। बाकी चलते हैं भाई, बहुत अच्छा है कि ज़्यादा दूर नहीं गए थे तो पता लग गया था। बाकी पता नहीं भगवान कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। ये गंगे मैया क्षमा कर दो, कोई गलती हो गई हो तो। चलो भाई चलते हैं, बाकी हाथ वात देख ही रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है आज के कल से ही।
सबसे ऐसी चल रहा रास्ता। फिर से वैसे ही रास्ता। गंगोत्री से आगे कुछ हो तो वहां भी चल लेंगे। देखो भाई बर्फ भयंकर, अप्रैल के महीने में बर्फ। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम, और अभी यहाँ पे कुछ दुकानें खुल रही हैं, कुछ में काम चल रहा है और कुछ अभी बंद है। वो मतलब जब दरबार खुलेंगे तब खुलेंगी वो दुकानें, है ना। तो चलिए, बाकी सर कैसा लग रहा है आपको आके गंगोत्री धाम में? लग रहा है बस गाड़ी का एक दिक्कत हुई है, बाकी कोई इशू नहीं है। अच्छा लग रहा है, व्यूज बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। सच में व्यूज सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और हालांकि हमारा तीसरा धाम भी आज फाइनली कंप्लीट हो रहा है। वो बात अलग है कि द्वार नहीं खुले हैं, लेकिन धाम तो पूरा हो रहा है, हमारी श्रद्धा तो है। हाँ, पूजा तो कर ही सकते हैं। जय माँ गंगे मैया, हालांकि नमामि गंगे। पहुंच गए भाई, ये रहा फ्रंट गेट गंगोत्री धाम का। चलो भाई चलते हैं अंदर। ये रहा भाई मंदिर गंगोत्री धाम। चलो भाई पहले नहा के आते हैं। बाकी अमेजिंग हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई है बढ़िया सब कुछ, रहने का भी है। और यहाँ पे यही मतलब ये घाट है। हम हालांकि नहाने के बाद जो है फिर मंदिर जाएंगे, ऐसे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम सुबह नहाए नहीं थे। बाकी तो आप आ सकते हो, बढ़िया है ना, सब सही चल रहा है मज़े से। चलो बाकी रहने का भी ठीक ठाक है यार, वहाँ तक मतलब दूर तक है यहाँ से। बढ़िया आत्मा निकलने वाली। बहुत ठंडा पानी है यार। सारी थकान उतर गई, सुबह 6:30 बजे चलते हैं। तो भाई अब नहा लिए हैं, अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने, है ना। और गंगोत्री धाम देख लो यार, गंगोत्री धाम में ये लिखा हुआ है। बाकी तो मंदिर आप देख ही लेंगे, मंदिर में आपने देख के जितने ना देखा हो वो देख ले, है ना। बाकी तो चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको मंदिर। और प्रसाद वगैरह भारी चढ़ रहा है, अभी मंदिर के कपाट खुले नहीं हैं,
पंडित जी बाहर से ही प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो भाई प्रसाद ले लिया है, अभी प्रसाद चढ़ाएंगे है ना, बाहर मतलब अंदर तो चढ़ नहीं रहा है, बाहर ही चढ़ाएंगे, फिर चलते हैं, अभी फोटो खींच लेते हैं इतने। अगर भाई कोई गंगोत्री धाम आना चाहता है, वैसे तो इसकी जो कपाट होते हैं वो हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, लेकिन हम लोग आ गए हैं एकाधक महीना पहले क्योंकि काम चलता है, इस वजह से खुल जाते हैं है ना, तो मतलब कपाट नहीं खुलते हैं, लोग वाग आने लगते हैं, मंदिर बंद से ही दर्शन होने लगते हैं, जैसे कि देखिएगा मंदिर के कपाट इस टाइम बंद है लेकिन दर्शन हो रहे हैं है ना, तो कोई आना चाहता है तो आ सकता है, अच्छा रास्ता है, सब कुछ बढ़िया है। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी ज़िले में है, यहाँ पर उत्तरकाशी से करीबन 130 के आसपास पड़ेगा, और आप आ सकते हो, अपनी बाइक से भी आ सकते हो, लेकिन जो बाइक वगैरह आएँ थोड़ा ध्यान रख के आएँ क्योंकि रास्ते में थोड़ा दुकानें वगैरह कम हैं इस वजह से, बाकी यहाँ रहने सहने का मैंने अभी देखा तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, काफ़ी अच्छे होटल वगैरह सब कुछ, स्टे वगैरह सब बने हुए हैं, तो आप आइए और माँ गंगा के दर्शन कीजिए। और यहीं से स्टार्ट होती है जो गोमुख की ट्रैकिंग है, जो 25 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो भाइयों इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे गंगोत्री धाम में एंड कर रहा हूँ, फिर अगला ब्लॉग आप नेक्स्ट डे देखना चलेगा, बाय, जय गंगे मैया।